ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग गंगा मैया का जल हाथ में लेकर सच बोलने की कसम खाते हैं, लेकिन भाजपा के लोग तो गंगा मैया में स्नान करने के बाद भी झूठ बोलने का काम करते हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बुनकरों के लिए बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद है जब पहला कार्यक्रम मऊ में हुआ था समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को मुझे उसी दिन लग गया था कि पूर्वांचल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर रही। जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार सपा सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बुनकरों के लिए बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे जिससे बड़े बड़े व्यापारी उन तक पहुंच पाए। आज बताओ पैकेट इतना सा हो गया कि नहीं, कि सरकार बन जाएगी तो किसान के लोगों ने कहा कि सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, आज पीछे मुड़ के देखो, अगर किसी भी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। ना आय दोगुनी हुई, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया। जब आप खाद लेने गए तो आपको खाद नहीं मिली, और खाद की बोरी को जब देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे हैं। आपने बाजार में कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा, और आपने जब पहले कभी खरीदा होगा तो पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट इतना सा हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए सावधान रहना, बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की बोरी से चोरी करेंगे, और जो पेट्रोल 100 रुपए है वो 200 रुपए में बिकेगा। समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया आपने? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बुलेटिन में खबरें लगातार